विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में मेधावी छात्रा को 7500 बतौर छात्रवृत्ति दी गई, जिससे वो पढ़ लिख कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। विद्या एजुकेशन सोसाइटी में हम कोई 30 सालों से लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो लड़कियों को स्कॉलरशिप देना है, उनके लिए वोकेशनल कैंप्स लगाकर उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसी कड़ी में हमने आज एक लड़की को स्पॉन्सर किया है उसकी पूरे साल की एजुकेशन के लिए। हमारे दो मेंबर्स हैं, मिस इशिता कोहली एंड मिसेस पिंकी कोहली, जो दुबई से हैं। वो 6 बच्चों को पूरे साल के लिए स्पॉन्सर करते हैं। उनकी हायर एजुकेशन में जितना भी खर्चा आता है वो दोनों उठाते हैं। इसी कड़ी में आज हमने एक लड़की को उसकी हायर एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और उसने अभी अभी प्लस टू किया है। उसको हमने उसकी जो भी उसकी फीस है उसकी आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है। ये सभी प्रोजेक्ट हम अपने सभी मेंबर्स के सहयोग से कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सबका थैंक्स करती हूँ। विद्या एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान मिस्टर विजय पासी जी और उन्होंने पूरी टीम वालों आज एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की नु अडॉप्ट किया है और वो पूरे साल वास्ते अडॉप्ट किया। अज उन्हें पहली इंस्टॉलमेंट जी 7500 रुपया दी है। जिस तरह की विद्या एजुकेशन सोसाइटी पिछले 30 साल तो समाज भलाई के काम कर रही है और इन्हों का मेन मोटिव जरा यही है कि बच्चियों को एजुकेट करना, क्योंकि संसार से जो कोई पुण का काम है तो वह बच्चियों को एजुकेशन देना। साढ़े प्रधान जी ने यही वादा किया है कि जो तक उन्होंने सांस हैगी है वह यहोजियां बच्चिया जी इंटेलीजेंट बच्चियां अप्रोच करनगियां तो उन्होंने अडोप्ट करके उनका खर्चा करना ही करना है। दूसरा, मैं पठानकोट के सरमाएदार लोगों जो हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ने उन्होंने भी रिक्वेस्ट करा कि जिस तरह विद्या एजुकेशन सोसायटी बच्चों को अडोप्ट कर रही है, तुम भी एक एक बच्ची अडोप्ट करो तो कम से कम पठानकोट के इंटेलीजेंट बच्चिया जीडिया बेरोजगार ना रह सकन। विद्या एजुकेशन सोसायटी यह बच्चों के एजुकेशन के होर भी बड़े तरह तरह के प्रोजेक्ट करती है। मैं अपने प्रधान जी का और पूरी टीम का बहुत थैंक्स करदा, क्योंकि यह रल मिल के सारे काम कर रहे हैं और अगे भी करते रहेंगे जी। जय हिंद। विद्या एजुकेशन सोसाइटी जो कि हमेशा ही महिला उत्थान के लिए कार्यरत रहती है, विद्या एजुकेशन सोसाइटी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो लड़कियों को शिक्षित करना है। हमारे समाज में अभी भी लोग लड़कों को ज़्यादा शिक्षित करते हैं, लड़कियों को कम करते हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले रही हैं। आज हमने एक लड़की को स्पॉन्सर किया पूरे साल के लिए। इसकी पढ़ाई का टोटल खर्चा विद्या एजुकेशन सोसाइटी अपनी दो मेंबर्स इशिता कोहली और पिंकी कोहली के सहयोग से कर रहे हैं। आज हमने उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है 7500 रुपए की। ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, इसके 90% मार्क्स आए हैं। हम इन बच्चों से सिर्फ एक ही आशा रखते हैं कि जब वो बड़ी होकर किसी जॉब पर लगे तो वो इसी प्रकार एक एक बच्ची को पढ़ाती रहें, क्योंकि हमारा विद्या एजुकेशन सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी का भी यही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक लड़की के शिक्षित होने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। विद्या एजुकेशन सोसाइटी को पिछले 30 साल से इसके ऊपर काम कर रही है। हमारी जितनी भी लड़कियाँ इंटेलिजेंट हमें अप्रोच करती हैं, विद्या एजुकेशन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। हम इनके ऊपर कोई आसान नहीं कर रहे, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हैं, उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं ताकि बच्चियां दूसरियां भी इनको देख के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और हमारा समाज जो है ज़्यादा शिक्षित हो, क्योंकि एक लड़की के शिक्षित होने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। विद्या एजुकेशन सोसाइटी हर साल में छः लड़कियों को स्पॉन्सर करती है, उनमें से एक ये लड़की भी है, क्योंकि हमारे दो मेंबर इशिता कोहली और पिंकी कोहली हर साल 6 बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, किताबा बुक्स वगैरह सब हमारी सोसाइटी अपने मेंबर के सहयोग से कर रही है। मैं अपने मेंबर्स का भी बहुत आभारी हूँ जिनके सहयोग से विद्या एजुकेशन सोसाइटी इतने प्रोजेक्ट कर रही है। मैं एक बार फिर अपने मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें समय समय पर सहयोग देते हैं। जय हिंद। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।